भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कलम 295A के तहत मामला दर्ज। मोहाड़ी पुलिस थाने के सामने सेवकों का जमावड़ा। शांति और सुव्यवस्था बनाने का पुलिस अधीक्षक ने किया आह्वान। भंडारा जिले के मोहाड़ी शहर में धीरेन्द्र शास्त्री का सत्संग चल रहा है। उन्होंने सत्संग में आपत्तिजनक बयान देकर मानव धर्म के संस्थापक जुमदेव बाबा की आलोचना की है। इसके चलते धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ भंडारा गोंदिया जिले के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज की गई। इसलिए हजारों की संख्या में सेवक मोहाड़ी पुलिस स्टेशन पहुँच गए है और शिकायत कर बागेश्वर बाबा के खिलाफ गुना दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस अधीक्षक लोहित मदानी ने अपनी सूझबूझ से कड़ा बंदोबस्त लगाकर धीरेन्द्र शास्त्री पर भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 295A किसी भी भाषण, लेखन या संकेत को दंडित करती है जो पूर्व नियोजित और दुर्भावनापूर्ण इरादे से नागरिकों के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करती है के तहत मोहाड़ी पुलिस थाने में गुना दर्ज किया गया है। साथ ही सुव्यवस्था बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने नागरिकों से आह्वान भी किया है। बागेश्वर धाम बाबानी जे एक वक्तव्य केला होता परमात्मा एक धर्माविरुद्ध, त्याच्यासाठी जे कंप्लेंट आम्हाला प्राप्त झालेली आहे त्या कंप्लेंटवर आता आमच्या गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया चालू आहे। ते लवकर दाखल होणार आहे। 295A या कलमामध्ये गुन्हा दाखल आम्ही करत आहे। 10 मिनिटात ते दाखल होणार आहे आणि जे लोक आंदोलन करत आहे त्यांना रोखण्यासाठी आम्ही मोठा पोलीस बंदोबस्त लावलेला आहे आणि जे बागेश्वर धाम महाराज आहेत ते पण त्यांचे जे प्रवचन आहे त्याच्या माध्यमातून त्यांचे जस्टिफिकेशन देणार आहे। पण आम्ही पोलीस फोर्स पण सज्ज आहे आणि जे लोक आता कायदा व्यवस्थेमध्ये जे प्रॉब्लेम क्रिएट करणार आहेत त्यांच्यावर पण आम्ही उपयोग कारवाई करणार। 295A आयोजक आणि त्यांच्यावर यही कहना था कि कल जो हमारी चर्चा हुई थी आप लोगों के साथ में उसका आप लोगों को यही कहना था कि जिस कार्यक्रम में उन्होंने ये बोला है जहाँ पर सभी लोग थे उसी कार्यक्रम में उसी मीडिया के सामने वो इसी प्रकार से बिजली व्यक्त करें तो उन्होंने इस बात के लिए धमकी भरी है और आज उनका जो 4:30 तक कार्यक्रम होगा उसमें वो वैसा बोलेंगे। अब मेरा ये कहना है कि जो कार्यक्रम उनका होगा 4:30 उसमें जितने भी लोग आते हैं जितने भी लोग आते हैं उनके सामने ये बात बोली बात में जो आपने अपने उसमें भी हम लोग उसका वीडियो देख रहे हैं क्योंकि उसमें आपकी जो वीडियो वायरल हुई है वो 1 मिनट की 2 मिनट की क्लिप है पूरा वीडियो हम लोग देख रहे हैं। हम लोग तुरंत Thank you.
धीरेन्द्र शास्त्री की गिरफ्तारी की मांग। मोहाड़ी थाने पर हजारों सेवकों का धरना। भंडारा पुलिस विभाग का तगड़ा बंदोबस्त। भंडारा जिले के मोहाड़ी शहर में धीरेन्द्र शास्त्री का सत्संग चल रहा है। उन्होंने सत्संग में आपत्तिजनक बयान देकर मानव धर्म के संस्थापक जुमदेव बाबा की आलोचना की है। इसके चलते धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ भंडारा गोंदिया जिले के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए हजारों की संख्या में सेवक मोहाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं। वहीं जब सभी सेवक कार्यक्रम स्थल पर जा रहे थे तो पुलिस ने भंडारा तुमसर मार्ग पर नाकाबंदी कर थाने के सामने रास्ता बंद कर दिया। कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो इसके लिए पुलिस की कड़ी मौजूदगी है। नागपुर, गोंदिया, भंडारा जिलों में हजारों कार्यकर्ता मौजूद है। आमदार भोंडेकर का आह्वान, बागेश्वर बाबा को 4 बजे तक करे अटैक। अन्यथा कार्यक्रम स्थिति कायदा व्यवस्था बिगाड़ सकती है। परमात्मा एक सेवकों ने ली पत्रकार परिषद। तुम्हारे पूर्वज नरक में है, तुम्हें भी नरक मिलेगा, इस बोल पर भड़ के परमात्मा एक सेवक। भंडारा जिले के मोहाड़ी में धीरेन्द्र शास्त्री इनका सत्संग शुरू था। बागेश्वर बाबा ने मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के बारे में टीका की है। इस टीका का वीडियो बड़े स्तर पर वायरल हो रहा है। बागेश्वर बाबा के टीका से परमात्मा एक मंडल के अनेक सेवकों का मन दुखा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद भंडारा जिले के अनेक सेवकों ने रात में धीरेन्द्र शास्त्री इन पर गुनाह दाखिल करने की मांग की थी, लेकिन 16 घंटे होने के बाद भी पुलिस ने कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं की। वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि तुम्हारे पूर्वज नरक में हैं, तुम्हें भी नरक मिलेगा, ऐसा कहा है। महाराष्ट्र के जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, नागपुर भंडारा जिले के अंतर्गत के क्षेत्र में, यहाँ एक विशेष संप्रदाय मत को मानने वाले लोग हैं, जो हनुमान जी को तो मानते हैं, हनुमान जी की नहीं मानते। हनुमान जी को तो मानते, हनुमान जी की नहीं मानते। वो कहते हैं कि श्राद्ध नहीं करना चाहिए, माता पिता की फोटो नहीं रखनी चाहिए, राम राम नहीं बोलना चाहिए, जय गुरुदेव बोलो। अरे माई बाप ठटरी के बरे, जो हनुमान जी पूरी जिंदगी राम राम बोल रहे हैं, उनके उपासक राम राम ना बोले, हद हो गई यार। ये तो वही बात हो गई है कि रसगुल्ला खा रहे हैं, शुगर से परहेज कर रहे हैं। रसगुल्ला खा रहे हैं, शुगर से परहेज कर रहे हैं। अरे ऐसा करने वाले लोगों, कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे पूर्वज और तुम्हारे पुरखे तो नरक में है ही है, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी नरक में जाएगी। ऐसी भक्ति कदापि हनुमान जी को प्रिय नहीं है। इस बात को लेकर आमदार नरेंद्र भोंडेकर और परमात्मा एक सेवकों ने पत्रकार परिषद आयोजित की थी, जिसमें आह्वान किया गया कि आज 4 बजे तक बागेश्वर बाबा पर कार्रवाई कर 4 बजे तक उन्हें गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो वे मोहाड़ी आकर इस बाबा को सबक सिखाएंगे। इस पत्रकार परिषद में आमदार नरेंद्र भोंडेकर, पूर्व उपाध्यक्ष नागपुर मंडल प्रभाकर गढ़े, संचालक टीम की योगेश तुरस्कर और अन्य सेवक उपस्थित थे। आम्ही परवा जे काही व्हिडिओ ऐकलं तेवढेच आम्ही सगळ्या सेवकांना सांगितलं का त्या चुका होऊ शकतात, पण काल त्यांनी ज्या शब्दात त्यांनी जे वर्णन केलेलं आहे आणि नर्क में जायगा ये आणि आव्हान करतोय ते आम्हाला की तुमचे जे बनता करलो, तर आमचा सुद्धा आव्हान आहे, आम्ही त्याचं आव्हान स्वीकारतो। भाग्य सर आप पडून जायचं नाही तू इथून, तू जर जिल्हा प्रशासनाने त्याला आतमध्ये टाकलं नाही तू तू तिथेच थांब, तुझे गाड वगैरे सर्ग सरकून दे, तुला आम्ही चोख उत्तर देण्यासाठी आम्ही तिथे येतोय। हे मानव धर्माचे सेवक शांत आहेत पण काहीर नाही आहेत, तुला उत्तर देण्यासाठी सक्षम आहेत, तू जाऊ नको, थांबून जा, 4 वाजतापर्यंत आम्ही तुझी वाट बघतोय, तू थांब।
नक्कीच त्याला उत्तर तो जसा म्हणतोय ना, एखाद्या संतांनी संतासारखं राहायला पाहिजे, एखाद्या प्रवचनकारांनी प्रवचन द्यायला पाहिजे ज्यातून समाजचा काहीतरी मिळेल. परंतु समाजाला देण्यापेक्षा ही अंधश्रद्धा चिठ्ठी बाबाजी काढते, भाग्य दाखवते, हे तुला सोबत नाही धा, हे ह्या देशामध्ये कायदा आहे, अंधश्रद्धा कायदा आहे. आणि अंधश्रद्धा कायद्यामध्ये जे चिठ्ठी दाखवत असेल तर मला तर कधी कधी क्यू येते की जिल्हा प्रशासनाने हे असे अंधश्रद्धाच्या लोकांना प्रशासनाने परमिशनच कसे देतात. हे असल्या जे आपण प्रगतीशील देशाकडे चाललो, समोर चाललो, आपण देशाची महाशक्ती बनतोय आणि हे एकीकडे दुसरीकडे हे असे जे थुथाण जे लोक आहेत ज्यांच्या जिभेवरती काही त्यांचा नियंत्रण नाही आहे, असल्या मूर्ख माणसांना पहिले तर तुरुंगात टाकायला पाहिजे. आणि जर समजा यांना तुरुंगात टाकण्यासाठी तुमच्याकडे जागा नसेल तर तुम्ही जिल्हा प्रशासन पोलीस डिपार्टमेंटला विनंती आहे, त्यांनी साईडला हटावं, त्याला आम्ही चोख उत्तर देण्यासाठी सक्षम आहोत. आम्ही तसं आज 4 वाजेपर्यंत जिल्हा प्रशासनाला अल्टिमेट दिलेला आहे. 4 वाजेपर्यंत जर जिल्हा प्रशासनाने त्याच्यावरती कारवाई केली नाही, आम्हाला आता माफी नाही पाहिजे. थुकून चाटायची सवय ही त्याची असेल, भाग्यश्रीची असेल, आमची नाही आहे. आता त्याला अटॅक करा, अटॅक नाही झाली तर तुम्ही आमच्या समोर सोडा. त्याच्यामध्ये किती पहलवानगिरी, किती ताकद आहे त्याला आम्ही बघू. त्याला उत्तर किती कसं द्यायचं आम्हाला माहिती आहे. आम्ही 4 वाजेपर्यंत शांत पद्धतीनं, एकदम शांत पद्धतीनं 4 वाजता तो जेलात मात्र पाहिजे. तुरुंगात जर 4 वाजता नाही राहिला तर त्याला मग आम्हाला दोषी ठरू नका. फक्त तेवढीच विनंती, आम्ही फार प्रामाणिकपणे, एकही 4 वर्षात माझ्यावर गुन्हा दाखल झाला नाही आहे. कारण इतकं शांत पद्धतीने मी शिवसैनिक असून इतकं शांत पद्धतीने आहे. आता जर गुन्हा दाखल झालं त्याचा जबाबदार जिल्हा प्रशासन पाहिजे, एवढीच आमची विनंती. भागेसर भावांनी सेवकाच्या खूपच भावना दुखवलेल्या आहेत. या मार्गाला आज 75 वर्ष झालेले आहे. हेच एक बागेश्वर महाराज यांना काही माहिती नसताना समाजात कसे दुफळी निर्माण होईल, द्वेष निर्माण होईल, या उद्देशानेच त्यांनी ते बोलले असं मला पक्क वाटतंय. या मार्गात येणारा अंधश्रद्धेला मानत नाही, धाग्या दोऱ्यांना मानत नाही, अमावस्या पौर्णिमेंना मानत नाही. हा निर्भय बनलेला आहे या मार्गात येणारा प्रत्येक सेवक निर्भय बनलेला आहे. हा कोणतं लग्न असेल ते या कोणत्या तारीख सुद्धा पाहत नाही, त्याच्या मनात जी तारीख येईल ते तारीख ठरवतो आणि लग्न करतो. इतकं स्वावलंबी बनवलेलं आहे या मार्गाने, निर्वेशने बनवलेलं आहे. मानवाला मानवाप्रमाणे जगण्याचं शिकवलंय, जगत आहेत. आज लाखोच्या करोडोच्या संख्येनं भारतामध्ये हे सेवक वर्ग तयार होत आहे, गुजरातमध्ये तयार होत आहेत, मध्य प्रदेशात तयार होत आहेत, रायपूरमध्ये तयार होत आहेत आणि आपल्या महाराष्ट्रामध्ये तर भरपूर आहेत. मग यांनी हे असं म्हणायला नव्हतं पाहिजे आणि आमच्या बाबावर अशी टीका करायला नव्हतं पाहिजे. किती चांगलं त्यांनी बाबांनी हे केलं, जिवंतपणे तुम्ही आपल्या आईवडिलांची सेवा करा. हा मेल्यानंतर कावड्याला श्राद्ध या रूपाने चारून काही उपयोग नाही, हे तर थोटांड आहे असं मी सुद्धा म्हणेन. आता या बागेश्वर बाबांनी प्रशासकांनी यांना अटक करायला पाहिजे हा आमच्या सेवकांचा ठाम निर्धार आहे. आणि जर यांनी अटक केलं नाही आणि यांचं प्रवचन असं सुरू ठेवलं तर साऱ्या भारतात अशांतता पसरल्याशिवाय राहणार नाही आणि याला जबाबदार प्रशासक राहील असं मला ठाम म्हणायचं आहे. तो संतांची भूमिका नाही आहे. जे संत आहेत ज्यांच्यामध्ये देवी शक्ती आहेत, गुण असताना वाटते, त्यांनी प्रत्येकांच्या भावनेचा कदर करायला पाहिजे, सन्मान करायला पाहिजे, इतर धर्माविषयी पण करायला पाहिजे. महानतागी बाजूंनी जी पण संत माले घेतले आहेत ते सिद्ध झालेले आहेत, त्यांनी देवी शक्ती प्राप्त केलेली आहे, त्यांचे अनुयायी या सुखी आणि समाधानी आहेत, व्यसनमुक्त आहेत, अंधश्रद्धेपासून अलिप्त झालेला हा समाज आहे. आणि जी आमची पातळी खालावलेली होती आर्थिक म्हणा, बौद्धिक म्हणा, सामाजिक, त्या उंचावलेली आहे. याच्या सर्वश्रेष्ठ महानता किंवा जुंदू ज्यांना जाते त्यांनी आम्हाला एक ईश्वरवाद शिकवला, अंधश्रद्धा याच्यावर आम्हाला त्यांनी परावृत्त केलं. महानता किंवा जुंदूजींनी महानता किंवा जुंदू आम्हाला ईश्वरी शक्ती काय आम्हाला सिद्ध करून दाखवलं, त्याचा परिचय करून केला. जगामध्ये एवढी संख्या लोकसंख्या जरी आहे पण काहीच लोक असे असतात समाजामध्ये किंवा आहेत जे माणसाचे दुःख दूर करू शकतात, माणसाचे दुःख त्यांना सन्मान त्यांना आनंद प्राप्त करून देऊ शकतात, त्यापैकी महानता किंवा जुंदूजी एक आहे. आणि त्यांनी आम्हाला एक ईश्वरवाद शिकवलं, त्यांना दैवी शक्ती प्राप्त झाली,
या देशामध्ये जसे काही समाज भावना आहे, धार्मिक भावना आहे, किंवा आम्ही जेव्हा सकाळी उठून पूजा करायचो, एक दिवा करते लावत होतो आम्ही आणि निराकार शक्तीची पूजा करत होतो, लोकांना वाटायचं की सर्व देवांची विसर्जन केलं, कुणाची पूजा करतात, हे कोणत्या धर्माचे आहेत? म्हणून महान त्यागी बाबा जमदेवजींच्या पुढे आम्ही जेव्हा प्रश्न समाजाने नेला, बाबांनी म्हटलं की बा मला, मी एका ईश्वराला मानतो, तो परमात्मा निराकार आहे, त्याला आकार नाही, तर मला काय ओळख देऊ? एक काम करा, आपण हिंदू भावचे जपण्याकरता मला ज्यांनी मार्गदर्शन केलं ते आमचे भगवान बाबा हनुमानजी आहेत, तुम्ही त्यांची फोटो आपल्या घरी लावा आणि परमात्मा समोर त्यांची पूजा करा. अशा प्रकारे पता बाबा हनुमानजीची प्रतिमा आम्हाला मिळालेली आहे आणि आम्ही हिंदू ते सिद्ध होऊन राहिलं. पण भवा भगवान बाबा हनुमानजी महाराजे दैवत नाहीत, भगवंत नाहीत, आम्ही परमात्मा एक सेवक ही आमची ओळख आहे आणि अनेक देवांची पूजा बंद, आम्हाला परमात्म्याचा परिचय महानत्यागी बाबा जमदेवजींना बाबा हनुमानजीनेच करून दिला आणि बाबा हनुमानजीची आम्ही ऐकतो म्हणून एका परमात्म्याची आम्ही पूजा करतो आणि सर्व हे जे तुम्ही काय म्हणता ढोंगळ कारोबार आम्ही श्रद्धा शालक वगैरे वगैरे आम्ही सर्व हे बंद केलेलं आहे. बागेश्वर बाबांनी असं नाही बोलायला पाहिजे, त्यांनी आमची भावना दुखावलेल्या सेवकांच्या त्यांनी सद्गती वगैरे वगैरे म्हटलं आहे. मी तर म्हणतो की भगवंत त्यांना सद्बुद्धी देवो, ते आमच्या सद्गती प्राप्त का बरं करतात. आम्हाला सद्गती प्राप्त आजी झाली, उद्याही होणार आहे. आमच्यातला व्यक्ती मरण पावल्यानंतर कधी कुणाला भूतप्रेत म्हणून दिसला का? आम्ही अशा अंधश्रद्धेपासून मुक्त झालेलो आहोत, सद्गती आम्हाला मिळाली. तुम्ही तसा प्रचार करता, तुम्ही तुमच्याच पाहावे बागेश्वर बाबांनी. आणि जर त्यांना कळत असेल तर त्यांनी पर्ची काढावी बाबा जमदेवच्या नावाने आणि माहिती करून घ्यावी वाटल्यास, नंतर बोलावे. भंडारा शहर के शास्त्री चौक पर भंडारा से रामटेक जा रही एसटी के चालक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी. सौभाग्य से इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है. भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र चुनाव में नामांकन पत्र वापस लेने के अंतिम दिन शनिवार को 4 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया. ऐसे में अब मैदान में 18 उम्मीदवार हैं. इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां बगावत की मार झेल रही है, जहां सुनील मेंढे के खिलाफ बीजेपी के बगावती संजय कुंभलकर बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे, वहीं कांग्रेस के डॉक्टर प्रशांत पडोले के खिलाफ सेवक वाघा ने स्वतंत्र नामांकन दाखिल कर बगावत का भूगोल फूका है. इस चुनाव के लिए कुल 40 उम्मीदवारों नामांकन दाखिल किया था. इनमें 18 प्रत्याशियों का नामांकन जांच के दौरान अमान्य कर दिया गया. 22 उम्मीदवारों के आवेदन योग्य पाए गए. शनिवार को नामांकन पत्र वापस लेने के अंतिम दिन दोपहर 3 बजे तक 4 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र वापस लिया है, जिससे अब 18 उम्मीदवार मैदान में है. नामांकन पत्र वापस लेने वालों में निर्दलीय अरुण गजबीये, मुनीश्वर काटेखाए, डॉक्टर सुहास फुंडे और सोमदत्त ब्रह्मानंद करंजेकर शामिल है. पौनी तहसील राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष मुनीश्वर काटेखाए ने आवेदन वापस लेने के बाद बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार संजय कुंभलकर को अपना समर्थन देने की घोषणा की है. नामांकन वापस लेने के लिए निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हों का वितरण किया गया. यह चुनाव चिन्ह प्रतिदिन के जीवन से जुड़े हुए हैं. किसी को सीट मिली तो किसी को फ्रिज, जबकि किसी को ट्रक व किसी को आरी मिली है. ऐसे में यह निर्दलीय उम्मीदवार अपने चुनाव चिन्ह को लेकर वोटरों से वोट मांगेंगे. उम्मीदवारों का प्रचार नागरिकों का ध्यान आकर्षित करने वाला रहेगा. अजय कुमार भारती को चाय की केटली चुनाव चिन्ह के रूप में मिली है. वहीं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के देवीलाल सुखराम नेपाले फलों की टोकरी मिली है. पूर्व विधायक सेवक वाघाई को रेफ्रिजरेटर चुनाव चिन्ह मिला है. निर्दलीय उम्मीदवार सूर्यकिरण ईश्वर नंदा गौली को सिलाई मशीन, सुमित विजय पांडे को नारियल का बगीचा, विलास जियालाल राउत को रोड रोलर, वीरेंद्र कुमार कस्तूरचंद जायसवाल को ऑटो रिक्शा, बेनीराम रामचंद्र फुलबांदे को बैट्समैन, प्रदीप ढोबले को सिटी चुनाव चिन्ह मिला है. इसी तरह से तुलसीराम उरकुडा गेडाम को ट्रक, चैतराम दशरथ को कासे को आरी चुनाव चिन्ह मिला है. निर्दलीय उम्मीदवार इटवाले शरद मातंड को बैट, डॉक्टर आकाश मधुकर जिपकाटे को अलमारी, वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार संजय केवट को गन्ना उत्पादक किसान, लोक स्वराज्य पार्टी के विलास बाबूराव लेंडे को गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह मिला है. मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार जिले में 30 मार्च को सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई तो वहीं शाम होते ही तेज हवाओं के साथ बारिश ने समा बांधा. रात के करीब 7 बजे कुछ स्थानों पर बारिश की बूंदें जमकर बरसी, जिससे हवा में उमस का एहसास बना रहा. जिले में मौसम विभाग ने 29 से लेकर 31 मार्च तक तेज बारिश की संभावना जताई थी, जिसके अनुसार जिले में 30 मार्च को सुबह बारिश ने दस्तक दी. शाम होते ही जमकर बूंदें बरसी. अचानक हुई बारिश के कारण हवा में उमस का एहसास बना रहा.
रहा। जिला आपदा प्रबंधन की ओर से आने वाले 31 मार्च को गाज के साथ बारिश की संभावना जताते हुए सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। मोटरसाइकिल पर अपने रिश्तेदार के घर से वापस आ रहे एक दंपति को सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने ओवरटेक करने के चक्कर में जोरदार टक्कर मार दी। इसमें दोपहिया सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। पति की भंडारा में मौत हो गई, जबकि पत्नी को भंडारा से नागपुर उपचार के लिए ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। यह घटना शनिवार 30 मार्च को दोपहर 3 बजे के दौरान तुमसर रामटेक राष्ट्रीय राजमार्ग पर खापा खेत परिसर में हुई। मृत पति का नाम साले खुद निवासी भोजराम कुल्लू राणे उम्र 55 वर्ष है, जबकि रत्ना भोजराम राणे उम्र 50 वर्ष है। यह दंपति अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक MH36D7682 से अपने गृह ग्राम साले खुद की ओर लौट रहे थे। इस दौरान कार क्रमांक CG09JB7700 के चालक ने सामने से अपनी कार भगाने के प्रयास में मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इसमें दोपहिया वाहन की टक्कर से कार का अगला हिस्सा पिचक गया। उधर हादसा होते ही खापा के सामाजिक कार्यकर्ता अनिल पांडे की मदद से घायल दंपति को तत्काल उपजिला अस्पताल तुमसर ले जाया गया। वहां दोनों को प्राथमिक उपचार दिया गया। हालांकि उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें तुरंत भंडारा जिला अस्पताल रेफर किया गया। इसी बीच पति भोजराम राणे की मौत हो गई। दूसरी और रत्ना राणे को नागपुर के लिए रेफर कर दिया गया। उसे नागपुर ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। इस मामले में तुमसर पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। युवक की हत्या कर जला दिया शव। पुरानी रंजिश में दिया घटना को अंजाम। दो नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार। पुरानी रंजिश में नुकेले हथियार से वार करके युवक की हत्या कर दी गई। इसके बाद उसके शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जलाया गया। घटना लाखनी के केसलवाड़ा फाटा परिसर में शुक्रवार 29 मार्च की रात करीब 11 बजे हुई। मृतक का नाम लाखनी मुरमाड़ी निवासी श्रीकांत माधव हटवार उम्र 32 वर्ष है। 30 मार्च को सुबह 5 बजे ये घटना सामने आई। इस मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा, जिसमें से 2 नाबालिग है। एक आरोपी को न्यायालय ने 3 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में रखने का फैसला सुनाया है। लाखनी तहसील के मुरमाड़ी सावरी निवासी श्रीकांत माधव हटवार उम्र 32 वर्ष एवं आरोपी आनंद हरिनारायण टेम्भू ने उम्र 40 वर्ष के साथ किसी कारणवश विवाद हुआ था, जिसके चलते आरोपी ने लाखनी पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज की थी। पुरानी विवाद के कारण एक आरोपी और अन्य 2 नाबालिग आरोपियों के साथ मृतक श्रीकांत हटवार की अनबन थी। इसका बदला लेने के लिए आरोपी आनंद टेम्भू ने और 2 अन्य नाबालिग आरोपियों ने मिलकर शुक्रवार 29 मार्च रात के करीब 11 बजे नुकेले हथियार से वार करके हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात मृतक कहीं जिंदा न रह जाए, इसलिए पेट्रोल डालकर उसे जलाया। शनिवार 30 मार्च को सुबह 5 बजे के समय केसलवाड़ा गराडा मार्ग पर घटना सामने आई। इस मामले में लाखनी पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक नरेंद्र निस्वादे के मार्गदर्शन में पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंची, पंचनामा करके जांच शुरू कर दी। करीब सुबह 9 बजे तीनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। उसमें से आनंद हरिनारायण टेम्भू ने उम्र 40 वर्ष को पुलिस ने हिरासत में लेकर के सामने पेश किया। पुलिस ने आरोपी को 3 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। अन्य 2 नाबालिग आरोपियों को जुवेनाइल कस्टडी में रखा गया है। इस मामले में पुलिस ने धारा 302, 201, 120 के तहत अपराध दर्ज किया है। आगे की जांच शुरू है। हमको इन्फॉर्मेशन मिली है कि केसरवाला घराना रोड पे एक बॉडी जल रही है। वहाँ पे हम लोग तुरंत देने के बाद हमने बॉडी को देखा, अननोन बॉडी थी। बाद में हमने उसको पहचान करवाई, पहचान के बाद उसके रिलेट को बुलाए और हमने उसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेने के बाद हमने फिर उसके सब इंक्वायरी किया। इंक्वायरी के बाद में पता चला कि आनंद टेंगुर ने इस आदमी ने उसको मारा है, तो हमने उसको अटक किया है और बाकी आगे का तपास फिर चल। इधर हमने एक आरोपी अटक किया है, बाकी जो जीवन है लालू उससे पूछताछ करना चाहिए। तो मर्डर हुआ है, उनका नाम है कांत हटवार, वो ये मुरमाड़ी के रहने वाले हैं। दोनों भी आरोपी और मृतक दोनों भी मुरमाड़ी के रहने वाले हैं। तुरंत हमने मर्डर होने के बाद तुरंत आरोपी मर्डर।
भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के SN चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।